हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल एकेडमी। राज ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पर टेंथ क्लास का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है फिजिक्स का, वो हम लोग चालू करते हैं और इसमें हम लोग फुल कोशिश करेंगे, फुल सिलेबस कवर करें अपना टेंथ क्लास का। तो आप इसको सभी शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है देखें इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं। पहले डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कब, तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्या पड़ी। पहले आप देखते होंगे कि पहले घरों में वो हैंड वाले फैन हुआ करते थे, और पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, कोयले से चलती थी और डीजल से चलती हैं। आजकल डीजल से चलने वाली ट्रेन बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम। सभी ट्रेन ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल से चल रही हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें पहले स्टडी क्या करना है। तो स्टडी पहले करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है करंट। करंट कहाँ से आए, तो करंट को पहले आपको डिफाइन करना है। तो करंट क्या है, पहले करंट को डिफाइन करने से पहले हम कुछ चीज़ बता देते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी में आपके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। और आपको ये भी बता दें कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। करंट जो फ्लो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। और जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी है, उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस समय इलेक्ट्रॉन का मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो जब करंट की डिस्कवरी हुई तो उसके पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो आपको ये मालूम है कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। और जो इलेक्ट्रॉन, फिर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो इलेक्ट्रॉन का मालूम है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई तो ये मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं। और आपको इससे ये क्लियर हो जाता है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं। मतलब करंट और इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है फ्लो की वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसको हम डिफाइन करते हैं करंट को। तो करंट को जनरली हम करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ चार्ज क्या है, चार्ज जो है, चार्ज जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव था, दो ही चार्ज होते हैं आप जानते हैं। तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। मतलब अगर डेफिनेशन आप बनाएंगे तो अपॉन में जो वैल्यू है उसको आप यूनिट कर देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। मतलब अगर आपको करंट को डिफाइन करना तो आप बता सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम को आप बोल देते हैं करंट है। तो चार्ज पर यूनिट जो टाइम है वो हो जाएगा आपका करंट। अब यहाँ पर करंट को लिखते किससे हैं, आई से लिखते हैं। करंट को लिखते हैं आई से। आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, करंट को आई से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं। तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्यू क्या है। क्यू यहाँ पर चार्ज है, टी यहाँ पर टाइम है, आई यहाँ पर करंट है। अब फिर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके की बात की, इसके यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है। आप जानते हैं चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। चार्ज का जो यूनिट रहता है वो कूलाम रहता है। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ करंट की तो आप बात करेंगे यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट में अगर हम बात करेंगे तो चार्ज के यूनिट होता है कूलाम और टाइम के यूनिट होता है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड जो होता ना वो कूलाम पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलाम पर सेकंड इक्वल टू होता है 1 एम्पियर। मतलब कूलाम पर सेकंड को आप बोलते हैं एम्पियर। कूलाम पर सेकंड इक्वल टू होता है एम्पियर। मतलब कूलाम पर सेकंड को आप बोल देते हैं एम्पियर। अब यही जैसे डिफाइन करें आप कि कूलाम पर सेकंड एम्पियर कैसे, तो कूलाम अपॉन सेकंड इक्वल टू बोल देते हैं एम्पियर। तो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं, एम्पियर करंट का यूनिट है। अब इसके बाद फिर जो डिवाइस करंट को मेजर करता है उसको आपको मालूम करना कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसे आप करंट को मेजर करते हैं। तो आप देखेंगे कि सर्किट में जो डिवाइस करंट को मेजर करता है उसको आप बोलते हैं एमीटर। एमीटर का सिंबल ये है, सर्किल बनाना है, बीच में सर्किल में ए लिखना है,
वन साइड पॉजिटिव लिखना है, अपोजिट साइड नेगेटिव साइन बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अमीटर का सिंबल है वो सर्किल में ए और वन साइड पॉजिटिव अदर साइड नेगेटिव, तो ये रिप्रेजेंट करता है अमीटर को, ये अमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये अमीटर का सिंबल है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है वोल्टेज। ये वैसे वोल्टेज को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, वोल्टेज को हम वी से लिखते हैं, इसे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बोलते हैं। मतलब वोल्टेज के तीन नाम, या तो वोल्टेज लिखते हैं आप, या फिर लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तीन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन एन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब वोल्टेज को आप लिखते हैं वी से, तो वी इक्वल टू होता है वर्क डन डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब अगर हम बात करेंगे तो वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। तो वोल्टेज को अगर आपको डिफाइन करना तो लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्क डन को हम W से लिखते हैं और चार्ज को हम Q से लिखते हैं, तो वर्क डन वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसका यूनिट आता है, तो यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, यूनिट ऑफ वोल्टेज जो होता है वो होता है वोल्ट, यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, वोल्ट। वैसे भी V से लिखते हैं, यूनिट ऑफ वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट होता है, इसे भी हम V से लिखते हैं। और जो डिवाइस वोल्टेज को मेजर करता है उसे हम वोल्टमीटर बोलते हैं, सिंबल उसका ये है पॉजिटिव नेगेटिव। सर्कल के अंदर वी बनाना है, वन साइड पॉजिटिव एंड अदर साइड नेगेटिव, सर्कल के अंदर वी बनाओगे वन साइड पॉजिटिव एंड अदर साइड नेगेटिव, जैसे बोलेंगे हम लोग वोल्टेज, वोल्टेज को मतलब जो मेजर करता है उसे हम वोल्टमीटर बोलते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि अमीटर कहाँ कनेक्ट होता है, अमीटर आपको ध्यान रखना है जिन दो पॉइंटों के बीच में करंट को मेजर करना है उनके बीच में सीरीज में कनेक्ट होता है अमीटर। ये आपको ध्यान रखना कि अमीटर हमेशा दो पॉइंटों के बीच में जहां आपको करंट मेजर करना है वहां पे सीरीज में कनेक्ट होगा, लेकिन वोल्टमीटर जो होगा दो पॉइंटों के बीच में अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वहां पे वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा दो पॉइंटों के बीच में। मतलब दो पॉइंटों के बीच में अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वहाँ पर वोल्टमीटर जो होगा वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, लेकिन अगर आपको दो पॉइंटों के बीच में करंट मेजर करना है तो आपको वहाँ पर अमीटर जो कनेक्ट होगा वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ है, नेक्स्ट आ जाता है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बहुत आसान है। ओम्स लॉ बोलता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ गिवन टेम्परेचर एट अ फिक्स टेम्परेचर। अब ये सिंपल सा ध्यान रखना है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ गिवन टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स भी हो सकता है या पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर हो सकता है। तो यहाँ पे बोलते हैं ओम्स लॉ कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ गिवन टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर। अब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का मतलब है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। मतलब दोनों में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, दोनों में जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो आप जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है। अब यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा और कॉन्स्टेंट हम ले लिया आर, वी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू आई, वी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू आई। आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको आप बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसे आप आर बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ आर जो है ना वो रेजिस्टेंस है, वी यहाँ पर वोल्टेज है, वी आप जानते हैं वी यहाँ पर है वोल्टेज, वी यहाँ पर है वोल्टेज, आई यहाँ पर है करेंट, आई यहाँ पर रहेगा करेंट, आई करेंट रहेगा, और आर जो रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस, आर जो रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रहेगा आर। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम। मतलब इसका अगर रेजिस्टेंस को हम जो मेजर करते हैं इसका यूनिट होता है ओम, ओम ग्रीक लेटर है, इसको हम ओम से देखते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है या रेजिस्टेंस का मात्रक जिसको आप बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं। और इसका अगर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो रहता है वो ओम रहता है।
ओम्स लॉ आप समझ गए होंगे, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ गिवन टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट आया आर, आर यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस है, या किसी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे या प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट बोलेंगे, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है वो रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट की फ्लो को डायरेक्शन को अपोज करे या करंट को फ्लो होने को अपोज करे उसे आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो फ्लो को अपोज करता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर 5 मीटर का वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, फिर आप 10 मीटर का वायर कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना लेंथ बढ़ती जाती है तो जो करंट है, करंट वो अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो आर यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे अफेक्ट करता है, ये फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे अफेक्ट करता है, और उसमें जो टॉपिक जो आता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब ये देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। अगर किसी वायर की लेंथ 5 मीटर है या किसी वायर की लेंथ 10 मीटर है और उस पर वायर की लेंथ हम 100 मीटर कर दें तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के। अगर किसी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर किसी वायर की लेंथ कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के। और दूसरा कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया की। इन्वर्सली मतलब 1/a लिखा है, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया के। इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। वायर है, वायर का थिन वायर अगर आप यूज करोगे तो उसका एरिया कम होगा, थिन वायर अगर होगा तो उसका एरिया कम होगा, और अगर थिक वायर होगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो अगर एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ग्रेटर होगा तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी, मतलब एरिया अगर लार्जर होगा रेजिस्टेंस स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है, आपस में क्या है ये रेसिप्रोकल है, आपस में रेसिप्रोकल रहेंगे, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब अगर कोई जो वायर जो थिक है, थिक वायर में जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू थिन वायर, थिन वायर में ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, और थिक वायर में रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा कम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना कि थिक वायर में रेजिस्टेंस कम रहेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। और थर्ड एक और फैक्टर होता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हम यहाँ लेकर नहीं चलेंगे, आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, निकल, कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करेगा। हम तो उसको अभी लेकर नहीं चल रहे, हमने यहाँ पर दो चीज़ों को ली हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए के। अगर दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए, और आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आपने लिया वो ले लिया है रो, तो हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला बन गया आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर जो रो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, यहाँ पर जो रो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और एल यहाँ पर लेंथ है वायर की, एल यहाँ पर वायर की लेंथ है, ए यहाँ पर एरिया है वायर का, और आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है वायर में। अब आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा गुड कंडक्टर होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो गुड कंडक्टर होते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 10^-2 में आती है, 10^-12, 10^-9, 10^-8, 10^-10, इस तरह से 10^ मल्टीप्लाई में आएगा, जो 10^ आएगी वो माइनस में आती है, तो वहाँ पर जो कंडक्टर होंगे वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जो बैड कंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 10^+14, 10^+12, 10^+10, 10^9 पॉजिटिव वैल्यू में आती है, तो वो होते बैड कंडक्टर, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। इस तरह से हम अगर बात करें तो जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो कंडक्टर उतना अच्छा गुड कंडक्टर माना जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा 10^-1 में रहती है तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, और अगर 10^ पॉजिटिव में आ रही तो वो बैड कंडक्टर रहेंगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये तीन टॉपिक यहाँ पर कवर हो गए। हाँ, अब इसके यूनिट क्या होता है, यूनिट और देख लें एक चीज़,
अब आप आर का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यहाँ से आप रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगी आर इंटू ए अपो आर इंटू ए और अपॉन में आ जाएगा एल। अब इसका यूनिट निकालेंगे, आर का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। इसका यूनिट निकाल रहे हैं आप, है ना, यूनिट यूनिट निकाल रहे हैं आप, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। तो यूनिट हो जाएगा इसका, यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ रो मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर जो रहता है वो इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। तो ओम इंटू मीटर जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे बात करते हैं।